नई दिल्ली का जंतर मंतर, साल 1983। तब के बीजेपी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सुबह टहलने निकले, डाकू झपटा और वाजपेयी जख्मी हो गए। तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी दिल्ली में पड़ोसी हुआ करते थे वाजपेयी के। माफी मांगने सपत्नी वाजपेयी के घर पहुंचे। क्यों? क्योंकि डाकू था प्रणब मुखर्जी का कुत्ता और वही झपट पड़ा था वाजपेयी पर। एक उंगली में चोट आई थी वाजपेयी को। मुखर्जी ने दुर्घटना के लिए माफी मांगी। वाजपेयी मुस्कुरा दिए। असल में दुर्घटनाओं का ही साल था, लेकिन कुछ हादसों पर माफी का मरहम नहीं लगता। जैसे टेलीफोन कनेक्शन, 83 में ही लाखों लोग 18 साल से टेलीफोन कनेक्शन के लिए कतार में थे और उनमें से ज्यादातर का नंबर अगले 5 और बरसों तक नहीं आने वाला था। इंतजार हादसा था जो भारी पड़ रहा था। स्कूटर और टेलीफोन कनेक्शन के इस भारी इंतजार के दौर में लोग करते क्या? तमिल फिल्मों ने झक सिनेमाई पर्दे पर सिल्क स्मिता के भारी उरोज और चौड़े नितम ठूस दिए थे। लू वाली उदास भरी दोपहरों में लोग ना सो पा रहे थे और ना जाग रहे थे। जनता के सपनों और नींद की सरहद पर इसी दौर में एक उम्मीद की तस्करी हुई, दुनिया जीत लेने की उम्मीद। इस उम्मीद की बात आप क्यों? क्योंकि एक फिल्म आ रही है 83। कबीर खान मना रहे हैं वर्ल्ड कप 83 पर बन रही है ये फिल्म। कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं रणवीर सिंह। काफी वक्त से तैयारी कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का, क्योंकि इस साल दुनिया के आसमान पर लिखा गया था भारत विश्व विजेता। 18 जून 1983 इंग्लैंड का टर्न ब्रिज वेल्स मैदान, ये तारीख क्रिकेट के इतिहास में धूल और पसीने से लिखी जानी थी। जब सदियों गुलाम रहा एक मुल्क दुनिया के सामने पीठ झाड़ के ताल ठोकने वाला था। नटों का देश, नाटकों का देश, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का देश, इंग्लिस्तान वाले जिसे सपेरों का देश कहते थे, आदि सपेरे, शिव का देश, नटराज का देश, विश्व विजयी वेस्ट इंडीज के तूफान का रुख मोड़कर इंडिया काफी आगे निकल आया था। चार्ट पर इंडिया लिखने वाली स्याही और गाढ़ी और पक्की हुई थी, लेकिन सेमीफाइनल से पहले गणित गड़बड़ाया। सामने दो मैच थे, दोनों भारी, दोनों जरूरी, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया। पिछली दो लड़ाइयां भारत हार चुका था। 74 करोड़ हिंदुस्तानी, एक हार और सब मिट्टी हो जाता। ना उम्मीदी और उम्मीद का तराजू माशा माशा बराबर। कांटा किसी भी तरफ झुकने के लिए हवा का एक झोंका भी काफी था। कांटे का मुकाबला, कफनी रंग की जर्सी में दर्जन भर लड़ाके, सरदार ने मुठ्ठियां भेजी आसमान निहारा। इन लड़ाकों की छाती लोहार की धौकनी थी। सदियों का लोहा पिघल कर आंखों की सुर्खी बन गया। सात समंदर पार एक महादेश के लड़ाके अब निपट अकेले। बीबीसी की हड़ताल, ना वो मैच किसी ने टेलीविजन पर देखा और ना रेडियो पर सुना। नटराज को तांडव करते भी कोई नहीं देख सकता था। शिव को शाप था, जिसने तांडव देखा वो भस्म होगा। 18 जून 1983 को तांडव होना था, आनंद तांडव। इसीलिए भारत ने आंखें मीच ली, कान बंद कर लिए। जिम्बाब्वे ने बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया, लड़के तैयार थे। पीटर रॉसन और केविन करा ने भारत की बल्लेबाजी का बारूदी इम्तिहान लेना शुरू किया। भारत का टॉप ऑर्डर ध्वस्त, ना कोई समझाइश काम आई, ना ही कोई सावधानी। उस दिन के अखबार की रपटें बताती हैं कि सट्टा बाजार भी निराश था। भारत ने एक के बाद एक 4 विकेट खो दिए, खाते में आए महज 9 रन। उस दिन दो ही चीजें आसमान छू रही थी, एक तो कप्तान कपिल देव की नजरें और दूसरी सट्टा बाजार में भारत की हार का भाव। एक के बदले 50 का भाव चल रहा था। 17 रनों पर भारत के नसीब का फैसला हो गया था। 17 रन 5 विकेट। टीम ने सोचा था 300 रन बनाएंगे और अगर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार भी गए तो भी सेमीफाइनल में तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन मैच के शुरुआती 15 मिनट ही भारी पड़ गए। कहते हैं कि अगर भारत मैच जीतता तो सटोरियों को 1 रुपए का 50 रुपया मिलता, जिसने लाख लगाया उसे 50 लाख मिलते, लेकिन डूबते सूरज पर रुपया लगाता कौन? कपिल देव रामलाल निखंज ने लगाया, रुपया नहीं, अपनी हर वो रात लगाई जो तारे निहारते हुए गुजारी थी। जब कपिल ने अगले दिन के सूरज को तिरंगा देखा था, दर्जन भर लड़कों को छाती पर तिरंगा लपेटे क्रिकेट का ताज उठाए देखा था, आज उन रातों का हिसाब होना था। जब कपिल बल्ला लेकर हुमकते हुए निकले और ऊपर आसमान देखा तो कपिल ने चमकते दिन में देश की सदियों पुरानी रात आंखों से ही माप ली थी। पवेलियन से पिच तक की दूरी 100 यार्ड। उस दिन पवेलियन से कपिल नहीं निकले थे, निकला था इस आदि देश का एक जोगी
शमशान की राख माथे पर मल कर जिंदगी गाता हुआ सन्यासी। कपिल ने पिच से 10 कदम दूर जब सिर मोड़कर देखा होगा तो कपिल को सिर झुकाए अपने लड़ाके दिखे होंगे। पराई मिट्टी पर एक बार फिर हार कर वतन की वापसी के लिए तैयार कपनी जर्सी दिखी होगी। ना, सरासर ना। कपिल ने उस दिन पवेलियन में सारा हिंदुस्तान देखा होगा। ईश्वर से की हुई इस महादेश की माओ की प्रार्थना में जुड़े हाथ महसूस होंगे। उस दिन कपिल के हाथ में बल्ला नहीं, बही थी। 74 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिसाब भारी था। सामने फुंकारते गेंदबाज थे, फ्रंट लाइन तबाह हो चुकी थी। कपिल देव को समंदर थामना था, असंभव लांघना था। कपिल की ओर फेंकी हर गेंद पर पवेलियन की सांसें तंग जाती थी। कपिल को अच्छी तरह मालूम था कि अगर ड्रेसिंग रूम लौटे तो कपिल अकेले नहीं लौटेंगे, साथ लौटेगा सिर झुकाए सारा देश। सिर्फ 2 जोड़ी गेंदें झेल कर कपिल की आंखें चुंबक हो गए और गेंद फौलाद। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी के साथ वही हुआ जो थोड़ी देर पहले भारत की बल्लेबाजी के साथ हो रहा था। एब्सोल्यूट फेलियर। ना पीटर रोशन ठहर पा रहे थे और ना ही केविन को कुछ समझ आ रहा था। आज सदियों की हुक उतारनी थी। मैदान में हुक शॉट, पुल शॉट, स्वीप, ड्राइव और कट का तूफान उठा। जिम्बाब्वे समझ चुका था कि आज ये लड़का नहीं थमेगा। ये कपिल का तांडव था, नीलकंठ का आनंद तांडव। उस दिन नटवर की बांसुरी पर नटराज तारी हुए हों जैसे। हुक शॉट पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन अब बारिश दुनिया के लिए हुक शॉट के छोटे भाई नटराज शॉट की। सिर से थोड़ा नीचे, कंधों से थोड़ा ऊपर, जैसे मछुआरा जाल फेंकता हो नाव के मुहाने पर खड़ा होकर। कपिल के शॉट को किसने पहली बार नटराज शॉट कहा, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसने भी कहा अचूक कहा। आदि नट शिव की नटराज भंगिमा। खुशी में झूमते शिव एक पांव जमीन पर, दूसरा टखनों से 45 डिग्री कोण बनाता हुआ हवा में। चतुर्भुज शिव, एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि, तीसरा हाथ अभय की मुद्रा में और चौथा हाथ इशारा करता है हवा उठे हुए पांव की तरफ। हवा में सटीक कोण पर लहराता पांव मोक्ष का रूप। उस दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव और नटराज एक हो गए थे। गेंद बॉलर एंड से निकलती थी, लेकिन सिर्फ पता पूछने भर कपिल के पास आती थी और फिर कपिल के बताए पते पर फौरन रवाना होती थी। किरमानी और ओजर बिन्नी ने बिटवीन द विकेट कपिल का साथ दिया। पवेलियन में सिर थोड़ा और ऊंचा उठे, होठ थोड़ा और मुस्कराए, मुट्ठियां थोड़ा और भिंच रही थी। लोगों के नथनों से खिंची चली आ रही हवा में ऑक्सीजन कम, कपिल देव ज्यादा थे। भर मैदान 16 छक्के और लॉन्ग ऑन पर 6 छक्के, नाबाद 175 रन, कुल 138 बॉल्स। तब वर्ल्ड कप होता था 60 ओवर का और पूरे 60 ओवर तक कपिल पिच पर अंगद का पांव बने रहे, हिलाए ना हिले। जिम्बाब्वे ही नहीं, पूरी दुनिया की उंगलियां दांतों तले थीं। कपिल ने इतिहासों का इतिहास बनाया था, रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, वनडे इंटरनेशनल में अकेले बल्लेबाज का सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड, इस महादेश का अपने ओडीआई क्रिकेट में पहला शतक, कप्तान कपिल देव की सबसे मशहूर पारी। जिम्बाब्वे को मिली 266 रन की चुनौती। मदन लाल ने गेंद संभाली और जिम्बाब्वे को संभलने का मौका नहीं दिया। 42 रन देकर 3 विकेट झटके और जिम्बाब्वे को 235 रनों पर समेट दिया गया और समय की रस्सी पर नंगे पांव नट कला दिखाती इंडियन क्रिकेट टीम चूकते चूकते रह गई। ये उस वर्ल्ड कप का और शायद दुनिया का अकेला ऐसा क्रिकेट मैच है जिसकी कोई फुटेज किसी के पास नहीं है। बीबीसी की हड़ताल थी, 2000 दर्शकों में से शायद ही किसी के पास कोई कैमरा रहा हो। इक्का दुक्का तस्वीरें तो हैं, लेकिन नटराज अदृश्य ही रहे, स्मृतियों में शेष, देवताओं का शाप। लेकिन नटराज की मूर्ति को ध्यान से देखें तो आनंद तांडव करते। नटराज शिव के बाएं पांव के नीचे कुछ दबा होता है। शास्त्र कहते हैं कि ये एक बौना अपस्मारा हुआ करता था, अहंकार का प्रतीक। अपस्मारा के दम को कुचलते हुए ही नटराज ने आनंद तांडव किया था। उस दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव जब जब नटराज होते थे, ठीक तब तक उनके पांव ने भी एक अपस्मारा भींच रखा होता था। विश्व क्रिकेट में क्रिकेट का आविष्कार करने वाली टीम का दंभ उस दिन अपस्मारा रौंदा गया, ठीक वैसे ही जैसे पिछले 2 विश्व कपों में भारत की संभावनाएं कुचली गई थीं। ये वही दिन था जब भारत में क्रिकेट की कायदे से नींव रखी गई, जब लगा कि अब इन दर्जन भर लड़कों का सीना कोई भी तूफान झेलने के लिए तैयार है। कोई कितना भी भारी फौलाद बनकर आए, इनके सांसों की धौंकनी के सामने टिक नहीं पाएगा। अब अगर छाती पर तिरंगा लपेटे वर्ल्ड कप उठाने के लिए इस टीम को ईश्वर से भी भिड़ना पड़ता तो भी ये पल भर को नहीं चखते, जिसके साथ
साक्षात नटराज हूं उन्हें वैसे भी अभय हासिल था। उस साल भारत ने क्रिकेट के आसमान पर अपनी सदियों पुरानी रातों को घोलकर लिख दिया विश्व विजेता। दुनिया से कभी कोई जंग न लड़ने वाले मुल्क ने उस साल दुनिया जीत ली। दो बार से अजय की परिभाषा बन चुका वेस्टइंडीज भी हमारे सामने घुटनों पर आ गया। कपिल देव, रामलाल निखंज ने अपने लड़ाकों के साथ वर्ल्ड कप उठाया। कुछ दशकों पहले ही आजाद हुआ मुल्क ठिठक गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो मिल गया था। कपिल देव का ननिहाल और सूफी संत बाबा फरीद की मजार एक ही शहर में है, पाकपट्टन शरीफ। बाबे ने एक बात कही थी, अब उस बात को लोकगीत की तरह गाती है दुनिया। बाबा फरीद ने कहा था, कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। देश की आस 83 में कपिल देव, रामलाल निखंज और टीम ने पूरी कर दी थी। भारतीय क्रिकेट ने सांसों के बीच बोए थे। उस साल किसानों के बच्चों ने गेंद और बल्ले से आजादी की फसल काटी। अब सिनेमाई पर्दे पर वो मैच जिंदा किया जा रहा है, फिल्म बन रही है 83। रणवीर सिंह कर रहे हैं कपिल देव का किरदार, और कपिल देव के किरदार में रणवीर याद दिलाएंगे उस बरस की जब टीम इंडिया ने उठाया था वर्ल्ड कप। इसी सिलसिले में बात हो रही थी कपिल देव के नटराज शॉट की। बात चाहे जो हो, रणवीर की ऊर्जा माननी पड़ेगी। कपिल दिखने के लिए एड़ी गड़ा दी है बंदे ने। रणवीर ने एक तस्वीर पोस्ट की नटराज शॉट की, जिसकी तारीफ कपिल देव ने भी की। अब देखना यह है कि फिल्म 83 सिनेमा के पर्दे पर उस बरस को कितना और कैसे जिंदा कर पाती है, लेकिन देखने लायक तो नटराज शॉट भी होगा। इंतजार रहेगा इसका बड़े पर्दे पर। ये जो नटराज कथा मैंने आपको सुनाई, ये लिखी थी हमारे साथी सुमित ने। मुझे पढ़कर बड़ा आनंद आया। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये शब्द, ये पूरी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दी रलन टॉप के साथ। शुक्रिया।